हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ कर रहे थे हम लोग, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का। और यहाँ तक हमने देखा था कि नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड है तो ऑर्थो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर था पारा, फिर था मेटा, फिर था बेंजोइक। OH आया तो ऑर्थो ज़्यादा, मेटा, बेंजोइक, पारा। फिर CH3 आया तो ऑर्थो, बेंजोइक, मेटा, पारा। इन सब में एक ही बात कॉमन है, व्हाट दिस वन, कि ऑर्थो विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। ग्रुप कोई भी रहे, ग्रुप कहीं भी रहे, ऑर्थो विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट। बस सिंपल सी बात है, ऑर्थो ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, बस इतना याद रख लो। अब यदि हम लोग बात करें हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड का, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड का यदि बात करें तो क्या होगा, क्लोरीन वाला, क्लोरोबेंजोइक एसिड हो मान लो, क्लोरोबेंजोइक एसिड, इसमें भी बनाए ऑर्थो मेटा पारा और एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड। देखो क्लोरीन में हम लोग जो पीछे चर्चा कर चुके हैं कि इसमें दो तरह का इफेक्ट है, प्लस आर और माइनस आई, लोन पेयर के वजह से प्लस आर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से माइनस आई। मतलब ऐसे यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो बॉन्ड का विथड्रॉ भी करेगा। जब यह क्लोरीन जुड़ा हुआ हो कार्बन से तो साइज में अंतर के चलते हम बोले कि रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ ख़त्म ही हो जाता है, ओवरऑल लगता है इंडक्टिव। ओवरऑल क्या लगता है, इंडक्टिव लगता है। तो ओवरऑल यदि इंडक्टिव लगता है तो उस हिसाब से सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, ये तो अब लगेगा नहीं, केवल ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में भी किस हिसाब से, इंडक्टिव के हिसाब से, नॉट रेजोनेंस, इंडक्टिव के हिसाब से। अब इंडक्टिव के हिसाब से यदि तुम देखोगे यहाँ से तो साफ समझ में आ जाएगा कि ऑर्थो वाला चूंकि अगल बगल है तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव यही लगाएगा, मेटा वाला उससे दूर गया तो इंडक्टिव थोड़ा और कमज़ोर पड़ेगा, काहे कि डिस्टेंस बढ़ गया। पारा वाला तो एकदम से अपोजिट ही चला गया तो यहाँ माइनस आई और वीक पड़ जाएगा, लेकिन हल्का फुल्का तो होगा, यहाँ एकदम नहीं होगा। तो इसमें रेजोनेंस कुछ नहीं, डायरेक्ट केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखना था और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर ही इसमें कंक्लूजन आ जाना था सिंपल सा। क्या कंक्लूजन आ जाना है सिंपल सा, कि ऑर्थो विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉलोड बाय मेटा देन पारा एंड लिस्ट इज बेंजोइक। तो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड है तो ऑर्थो मेटा पारा बेंजोइक, क्योंकि इसमें केवल इंडक्टिव काम किया, इतना सा बात समझना था। और कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी, एग्जाम में आना होगा तो बताए कि यदि एक में NO2 लगा दिया, एक में OH लगा दिया, एक में CH3 लगा दिया अलग अलग, तो वहाँ कैसे सोचोगे, वो भी हम शुरू में बता दिए थे। और एक ही ग्रुप होगा लेकिन अलग अलग पोजीशन पे होगा तो वहाँ कैसे सोचोगे, ये भी हमने बता दिया। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए एसिडिक नेचर से, और ऑब्वियसली आना ही है क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में, सिंपल वाला आ जाए भले ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 100% ऐसे ही क्वेश्चन आना है। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा सा और, इसको नोट कर लोगे, नोट्स में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन नहीं है नोट्स में, वीडियोज में इसको एक्सप्लेन करा हमने, नोट्स में केवल ये बात लिखा हुआ है तो वहाँ से रट लो, चाहे जो भी करना है अपना कर लो। हैलोजन में केवल इंडक्टिव काम करेगा इतना रख लेना, NO2 में रेजोनेंस इंडक्टिव दोनों लग जाएगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगा, OH में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। एक लास्ट जो इसमें कंपैरिजन है,
कि यदि बेंजोइक एसिड ना लेकर के हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड लें तो क्या होगा? यहाँ फिनोल ले लें और यहाँ बेंजाइल अल्कोहल। पीके वैल्यू इसका बाद में देखेंगे, पहले अपने से ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। तो अपने हिसाब से क्या हुआ, एक कंपाउंड का नाम, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज फिनॉल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। अब यहाँ से देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट में सपोर्ट कर देंगे इसको पीके वैल्यू से। तो पीछे तो बता चुके हैं कि फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड है बेंजोइक एसिड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी फिनॉल है, बेंजाइल अल्कोहल है, तो बेंजाइल अल्कोहल मीन्स इट्स सिंपली एन अल्कोहल और फिनॉल। अब अल्कोहल फिनॉल में कौन एसिडिक होता है बताने का जरूरत नहीं, इसको अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़े, फिनॉल ज़्यादा है। बस कन्फ्यूजन यहाँ है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा कि बेंजोइक, मतलब ये ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा। तो कुछ नहीं करना भाई, बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देख लो कि यहाँ या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। बताएं कि वैसा कोई भी ग्रुप जिसमें हेट्रो एटम्स, डिफरेंट एटम्स के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, वे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वैसे ग्रुप ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, ये वाला भी यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। लेकिन यहाँ एक ग्रुप है ऑक्जो, ऐसे ग्रुप को हम लोग ऑक्जो ग्रुप कहते हैं, वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो किसी से भी, तो यहाँ भी ऑक्जो, लेकिन यहाँ ऑक्जो ग्रुप दो दो है, ऐसे भी ऐसे भी। मतलब ये क्या करेगा कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा। एक तो देखो जरा ध्यान से समझना, ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, तो एक तो लोन पेयर इसको इधर भी देना होगा और इस पर आ जाएगा फिर प्लस, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दूसरा कि यदि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है तो इसको फिर से देना होगा इधर और फिर से प्लस चार्ज आएगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ क्या करना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तरफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तो इस पर प्लस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, ऐसे दो प्लस नहीं आएगा समझाने के लिए, प्लस चार्ज का जो यहाँ मैग्नीट्यूड होगा इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको तो यहाँ बस केवल इसके लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ा है, एक बार प्लस आएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ का ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा यहाँ वाला की तुलना में, क्योंकि यहाँ दो दो ऑक्जो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ एक, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसीलिए जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिनरल एसिड के बराबर एसिडिक होता है, जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड टाइप का, पीके वैल्यू लिखोगे ना माइनस में होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का -2.8। यू कांट इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। बेंजोइक एसिड 4.2, इसका तो देखे थे 10 के आसपास, इसका होता है 15-16 के आसपास ऐसे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस तरह से एसिडिक होना एक्सप्लेन करता है इस चीज़ को कि जो SO2 या SO3H ग्रुप है वो कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इसका पावर जो है इलेक्ट्रॉन खींचने का, समझ गए? तो यह वजह था, इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो उधर एलिफेटिक एसिड में हमने बताया वेरिएशन, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड, हैलोजन के नंबर पोजीशन के आधार पे, फिर उसको अल्काइन अल्कोहल वगैरह से कंपैरिजन करा हमने, फिर फिनॉल से कंपैरिजन हुआ, एरोमेटिक एसिड में आए तो फिर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से कंपैरिजन हुआ, एक ही सब्स्टिट्यूएंट में अलग अलग पोजीशन से हुआ, और लास्ट में अलग अलग एरोमेटिक एसिड से हुआ, बेंजीन सल्फोनिक तो बेंजोइक तो फिनॉल, ऐसे करके। तो यहाँ से एसिडिक नेचर वाला बात जो है पूरी तरह से होता है समाप्त। यू जान लो कि फाइनल एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 110% जो है होना ही है, ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भरा हुआ रहेगा क्वेश्चन, भाई लिख के ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप, आइदर इंजीनियरिंग मेडिकल सब में।
अब एक बार नोट्स को ज़रा पढ़ोगे उसमें रिजल्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है, चूँकि इतना एक्सप्लेन कर पाना नोट्स में पॉसिबल नहीं था, इसीलिए। अब हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं, याद रखोगे ये सब के सब मिनरल एसिड से वीक होते हैं, माने HCl, HNO3, H2SO4, ये जो मिनरल एसिड हैं, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं, तो इन सारे एसिड्स की तुलना में जो है ये वीक एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन वही अल्कोहल, फिनॉल, ये सब के तुलना में स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। चलो अब केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखें, बहुत कुछ देख लिए हम लोग एसिडिक नेचर में। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो कॉमन से जो रिएक्शंस होते हैं एसिड के लिए, वे सारे रिएक्शंस होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी, वे सारे रिएक्शंस होंगे। अब ये कौन कौन से रिएक्शन है एसिड का, तो एसिड का रिएक्शन मेटल से, एसिड का रिएक्शन बेस से, एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट बाय कार्बोनेट से, ये सब। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अच्छा नंबर वन, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। तो हम लोग पढ़े क्या है भाई, कि कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी देख चुके हैं। अब चूंकि एसिड में यहाँ हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, और पूरा कहानी हम लोग देख चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का संख्या जितना कम होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसलिए जितना भी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे बोर्ड पे या कॉपी में, जनरली कम कार्बन वाले, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसे 10-20 कार्बन का एसिड जो है लेकर के नहीं चलना है, ध्यान रखोगे 10-20 कार्बन का एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर शो ही नहीं करेगा, तो वैसे कंपाउंड को एसिड लेकर के चलना सही नहीं होगा, उसे हम लोग एसिड नहीं ही लेंगे, सिंपल सा बात है। तो छोटे छोटे मेंबर्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, उनका रिएक्शन मेटल से, मेटल में भी एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी कम हो, माइनस में हो, नेगेटिव, क्योंकि एसिड और मेटल का रिएक्शन होता क्या है कि मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता है कैटायन, और एसिड का जो H प्लस है वो यही इलेक्ट्रॉन को लेकर के बदल जाता है H में, जो फर्दर बदल जाएगा H2 में, और इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो चला जाएगा M के पास, यही तो है मेटल एसिड का रिएक्शन। मेटल एक्टिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एसिड H प्लस है तो एसिड का H प्लस उस मेटल के द्वारा दिए हुए इलेक्ट्रॉन को लेगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मेटल है वो कैटायन में बदल जाएगा, और फिर कैटायन एनायन का कम्बिनेशन से अपना सॉल्ट बनना होगा जो बनेगा, इसलिए यहाँ वही मेटल लेना है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा तो एसिड का H प्लस कभी H2 में कन्वर्ट नहीं होएगा, सिंपल सी बात। तो लिखें जैसे फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ, तो इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से यदि लिखा जाए तो सोडियम फॉर्मेट प्लस हाफ H2, सोडियम फॉर्मेट प्लस हाफ H2। उसी प्रकार से मान लो एसिटिक एसिड दिया जाए मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन। बेंजोइक एसिड वगैरह यदि लेना चाहो, हालांकि बेंजोइक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, फिर भी एल्यूमिनियम से करवा दें
तो सी ओ वो माइनस का होल थ्री एल पर ट्रिपल प्लस एल्यूमिनियम बेंजोएट बन जाएगा। तो सिंपल सा हाइड्रोजन यहाँ भी निकलेगा 3/2H2 ऐसा। तो मेटल एसिड का जो रिएक्शन होता है वही है यहाँ, नया इसमें कुछ नहीं है, इतना बस ध्यान में रख लो। नेक्स्ट रिएक्शन विथ अल्कली, तो अल्कली मतलब ग्रुप वन मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं KOH NaOH वगैरह, ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। तो इसमें से क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, जैसे फॉर्मिक एसिड ले लिए और रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिए, तो सोडियम फॉर्मेट बन गया प्लस H2O बन गया। फिर मान लो एसिटिक एसिड ले लिए और इसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिए, तो कैल्शियम एसीटेट बन गया Ca2 प्लस 2H2O बाहर हो गया ऐसा। तो एसिड बेस का रिएक्शन से जो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है वही रिएक्शन यहाँ भी होना है, नया नहीं होगा कुछ। ठीक, नेक्स्ट इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इसमें से भी जो मोस्ट कॉमन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इस्तेमाल किए जाते हैं एसिड का रिएक्शन के लिए वे सोडियम होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ऐसा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें Na2CO3 सॉरी उल्टा उल्टा लिखा गया, कार्बोनेट ही हो गया बाइकार्बोनेट वाला। तो इसमें क्या पढ़े हो कि एसिड का रिएक्शन जब होता है कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से क्या क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। CO2 का बड़ा एक स्पेशल फीचर है कि तो है गैसियस सब्सटेंस, तो इसके वजह से सॉल्यूशन में क्या होता है इफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, इफरवेसेंस बुदबुदाहट, जैसे देखे पानी में कभी नीचे से अपने आप बुलबुला निकलना, इफरवेसेंस उसी को कहते हैं हम। स्प्राइट वगैरह का बॉटल का ढक्कन खोलो जो ऊपर उठता है इफरवेसेंस, पानी में बुलबुला निकल रहा है अंदर से इफरवेसेंस, तो सब CO2 गैस के वजह से होता है। जहाँ भी CO2 गैस है वहाँ इफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा ही होगा, 100% इफरवेसेंस प्रोड्यूस होगा वहाँ। चलो ज़रा ध्यान से देखो, तो जैसे मान लो फिर से हम लोग फॉर्मिक एसिड ही लेते हैं प्लस बाइकार्बोनेट पहले ले लें, तो क्या क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 गैसियस है इफरवेसेंस, इसी को नोट करना है बस। फिर मान लो एसिटिक एसिड है सोडियम कार्बोनेट, दो मोल लोगे बैलेंसिंग के लिए, तो 2CH3CO माइनस Na प्लस प्लस 2H2O या केवल H2O टू एच टू ओ प्लस CO2 ऐसा। तो इन दोनों रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है ना, दिस इज द मार्क और दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। क्या इम्पोर्टेंस है इसका ज़रा समझो, क्वेश्चन में साफ पूछेगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड कुछ भी दे देगा,
कि फॉर्मिक एसिड वर्सेस फिनोल, ठीक है, इन दोनों में आप कैसे अंतर करोगे। है दोनों एसिडिक ही, कम ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, एसिडिक ही है दोनों। अब दोनों एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को रेड दोनों करेगा, ब्लू लिटमस को रेड दोनों करेगा, अम्ल ब्लू लिटमस को रेड करता है। दूसरा बात कि मेटल से दोनों रिएक्शन कर जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस दोनों के रिएक्शन से इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हम माचिस का तिल्ली रखते हैं, पटपट का आवाज़ करता है, पहचानने का तरीका होता है, तो दोनों से आएगा, पता कैसे चलेगा। अब मान के चलो दोनों केमिकल दिया हुआ अलग अलग बर्तन में, तुमको पूछा जा रहा है बताओ कौन फॉर्मिक एसिड है कौन फिनॉल है, क्या करोगे। दोनों में शुरू में ब्लू लिटमस मिलाओगे, पता चलेगा दोनों रेड कर दिया। दोनों में मेटल डालोगे, पता चला दोनों से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। हैं, दोनों में बेस मिलाओगे तो पता चला दोनों से सॉल्ट और वाटर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मिलाओगे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे, तो पता चलेगा कि फॉर्मिक एसिड वाला से इफर्वेसेंस निकला, फिनॉल वाला से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन केवल कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, हैं, उससे रिएक्शन फिनॉल नहीं करता है। तो कन्फर्म हो जाएगा यहाँ कि एक बर्तन वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक है, दूसरा फिनॉल है, ये कैसे कन्फर्म होगा। तो दूसरा फिनॉल है तो इसके लिए फिनॉल का जो टेस्ट पड़े हैं ब्रोमीन वाटर, कि यदि ब्रोमीन वाटर मिला दें तो इसमें से फॉर्मिक एसिड का कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन फिनॉल वाइट प्रिसिपिटेट देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का वाइट पीपीटी है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाओगे तो फॉर्मिक एसिड कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिनॉल जैसे वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इन रिएक्शंस के आधार पे जो है ना, इनमें अंतर पैदा किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज उस समय कि गिव या केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बेंजोइक एसिड या कोई भी फॉर्मिक एसिड या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, यही बात लिखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क इफर्वेसेंस ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ CO2 बाय रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, वाइल फिनॉल डज नॉट। ऑन दी अदर हैंड फिनॉल गिव्स वाइट प्रिसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर और वायलेट कलरेशन विद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, वाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट। और रिएक्शन ऐसे करके दिखा दोगे, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको नोट करना, रिएक्शन विद कार्बोनेट को जो है नोट करोगे, नोट्स में लिखा हुआ भी है कि COOH ग्रुप का टेस्ट के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कोई भी ग्रुप जो एसिडिक नेचर का है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, COOH ग्रुप है उसके लिए, बेसिकली COOH ग्रुप के लिए। क्या है कि CO2 इवॉल्व हो रहा है, तो CO2 तो तब इवॉल्व होगा ना जब उसमें रहेगा ये वाला ग्रुप, तो कार्बोक्सिल में CO2 है इसीलिए इससे रिलीज होता है, समझ रहे हो बात को, ध्यान रखोगे। हालांकि यह जो CO2 है वो तो आता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, लेकिन फिर भी समझने के लिए इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे याद रखने के लिए। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी कहानी हम लोग को पता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं वे बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं। अब किसका काम करेंगे डिपेंड करेगा उस कंपाउंड के नेचर पे, कि यदि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट स्ट्रांग है तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और यदि उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है तो बेस हो जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हम लोग RCOOH, दो चीज़ है, एक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कार्बोनिल है, दूसरा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का। यहाँ आप लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX माइनस प्लस, जो कि न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। न्यूक्लियोफाइल तब जब कार्बन पे अटैक करे और बेस तब जब हाइड्रोजन पे अटैक करे। प्रेजेंटली किस पे अटैक करेगा सो देखो, हम लोग देख चुके हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है या वीक इलेक्ट्रोफाइल है, रीजन की जब यहाँ शिफ्ट करता है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे करके यहाँ डबल बॉन्ड ले आता है, प्लस आने ही नहीं देता है, तो यह इलेक्ट्रोफिलिक कम हुआ।
तो उस हिसाब से जब ये ऑक्सीजन लोन पेयर इधर देगा, इस पर आएगा प्लस, तब तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ेगा और तब हाइड्रोजन का एसिडिटी और इंक्रीज कर जाएगा। तो दो वजह हुआ है, एक तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है और दूसरा हाइड्रोजन का एसिडिटी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि अब जो इधर से माइनस वाला आएगा, ये तो दोनों को पसंद करता है, कार्बन को भी हाइड्रोजन को भी, लेकिन अभी हाइड्रोजन को ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकलने को राजी है ज़्यादा, यहाँ अटैक करने का जगह ही नहीं बन पा रहा है, प्लस आ ही नहीं रहा है, आ रहा ही ढक दे रहा है तुरंत, तो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ नहीं करेगा, तो इस केस में बेस का काम करेगा ये आर एच, यहाँ से बाहर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन और वो बन जाएगा अपना सॉल्ट आर सी ओ माइनस एम जी एक्स प्लस। समझे कहानी को? आर एम जी एक्स न्यूक्लियोफाइल बेस दोनों था, कार्बन पे अटैक करता तो न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को लेता तो बेस, कार्बन पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि कार्बन यहाँ जो है बहुत कम इलेक्ट्रोफिलिक है, रीजन बता दिए, ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस होगा, ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो प्लस इस पर बचेगा ही नहीं, कभी आया तुरंत हट गया, तो जब तक प्लस नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे कहेंगे। और जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो इस पर आएगा प्लस, अब ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो पूरा एकदम तेज़ी से वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन उतना जल्दी बाहर होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा, और एसिडिक ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक कम है तो ये बेस का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का नहीं करेगा। और फिर उसका हाइड्रोजन को लेकर के जो नॉर्मल सा रिएक्शन सॉल्ट वाटर वगैरह बनता है वही सब बनेगा इससे। ऐसे करके रिएक्शन कंप्लीट करने भी आ सकता है, नोट्स में कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं, देखोगे उसको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या कंसेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम लोग आगे केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।